हेलो एवरीवन, आज हम आए रेनॉल्ट के शोरूम पे और हमारे पास है रेनॉल्ट की क्विड। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शन की। इसमें अपने को दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है 1 लीटर वाला इंजन ऑप्शन और एक मिलता है 0.8 लीटर वाला इंजन ऑप्शन। 0.8 लीटर वाला इंजन ऑप्शन पावर प्रोड्यूस करता है 53 BHP और 76 Nm का टॉर्क। और ये जो हमारे पास है अभी वेरिएंट है, ये है इसका 1 लीटर वाला क्लाइंबर वेरिएंट, ये इसका टॉप वेरिएंट है। और ये पावर जनरेट करता है 67 BHP और 91 Nm का टॉर्क। और रेनॉल्ट के क्विड एंट्री लेवल सेगमेंट में आती है और ये कम्पीट करती है ऑल्टो K10 और ऑल्टो 800 से। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से, देखते हैं अपने को इसमें फ्रंट में क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं इसके ग्रिल से। यहाँ पर मिलता है अपने को इसका लोगो, रेनॉल्ट का लोगो, जो कि क्रोम में मिलता है अपने को। और यहाँ पर ये देखिए क्रोम का इंसर्ट मिलता है इसमें। ये इसका टॉप वेरिएंट है क्लाइंबर। और ऐसी कुछ मिलती है इसकी ग्रिल जो कि मैट ब्लैक में है, ये देखिए। और यहाँ पर मिलती है अपने को इसका इंडिकेटर और DRLs। ये इंडिकेटर का काम करती है और यहाँ पर मिलती है अपने को इसके DRLs। और इसके जस्ट नीचे मिलता है अपने को इसकी हेडलाइट यूनिट। इसमें अपने को हेडलाइट नीचे प्लेस्ड की गई है। और यहाँ पर इसकी हाई बीम और लो बीम के लिए मिलता है, हैलोजन ही है ये, LED नहीं मिलता अपने को। और इसके साउंडिंग में मिलता है अपने को मैट प्लस सिल्वर में, मैट प्लस वाइट कलर में मिलता है ये इंसर्ट। और ऐसा कुछ मिलता है इसका ओवरऑल फ्रंट लुक, ये देखिए। और नीचे मिलता है अपने को इसका रेडिएटर ग्रिल और उसमें स्किड प्लेट में मिलती है, ये देखिए, जिसमें अपने को वाइट कलर के इंसर्ट मिलते हैं। तो ऐसा कुछ मिलता है अपने को इसका ओवरऑल फ्रंट लुक। बोनेट पे देखो तो यहाँ पर अपने पास वॉशर अवेलेबल है, ये सिंगल वॉशर मिलता है अपने को इसमें और सिंगल ही वाइपर मिलता है, वाइपर भी सिंगल ही मिलता है अपने को इसमें। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे। और इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ मिलती है अपने को 3731 mm, ऐसी कुछ मिलती है अपने को इसकी लेंथ। इस शुरुआत करते हैं इसके रूफ से। यहाँ पर अपने को रूफ रेल्स भी मिलते हैं इसमें, ये देखिए रूफ रेल्स भी अपने को ड्यूल टोन मिलता है। यहाँ पर वाइट कलर का इंसर्ट मिलता है और ऐसा कुछ मिलता है इसका रूफ रेल। और यहाँ पर मिलता है अपने को इसका एंटीना, नॉर्मल एंटीना मिलता है अपने को इसमें। और ऐसी कुछ मिलती है अपने को इसकी विंडो साइज, ये देखिए, जो कि इस सेगमेंट के अकॉर्डिंग सही है। और यहाँ पर मिलता है अपने को इसका ORVM, ये केवल इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग अवेलेबल नहीं है इसमें, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ अवेलेबल है। और ना ही अपने को इस पर टर्न इंडिकेटर मिलता है, टर्न इंडिकेटर अपने को फेंडर पे ही मिलता है, ये देखिए। और ऐसी कुछ मिलती है अपने को इसकी क्लैडिंग, जो कि मैट में ही मिलती है, ग्लॉसी में नहीं। और व्हील की बात करें तो अपने को ऐसा कुछ व्हील मिलता है जो कि डायमंड कट अलॉय व्हील जैसा दिखता है, लेकिन ये अपने को फ्लैक्स व्हील मिलता है इसमें, और C8 का व्हील मिलता है। और इसकी प्रोफाइल की बात करें तो 165/70 R14 14 इंच का व्हील मिलता है अपने को इसमें। और फ्रंट में मिलते हैं अपने को डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें अपने को 184 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और ऐसे कुछ मिलते हैं अपने को इसके डोर हैंडल, जिसपे अपने को क्रोम का इंसर्ट मिलता है, ये देखिए। अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल पे। और ऐसा कुछ मिलता है अपने को इसका रियर प्रोफाइल। यहाँ पर मिलता है अपने को इसका रूफ रेल, रूफ रेल वैसे नहीं मिलता अपने को इसमें अलग से। और यहाँ पर मिलता है अपने को हाई माउंट स्टॉप लैम्प। और ये है रियर विंडशील्ड, इसमें ना ही आपको डिफोगर वगैरह कुछ भी नहीं है, ना ही डिफोगर ना ही वाइपर। और यहाँ पर मिलता है अपने को रेनॉल्ट का लोगो, जिस भी लोगो के अंदर ही अपने को रिवर्स कैमरा इंटीग्रेटेड मिलता है। इसकी क्वालिटी जब अंदर जाएंगे गाड़ी के अंदर तब चेक करते हैं। और यहाँ पर मिलती है अपने क्विड की बैजिंग और यहाँ पे की होल मिलता है अपने को बूट को ओपन करने के लिए। और यहाँ पर अपने को एक सिल्वर कलर की स्ट्रिप मिलती है, क्रोम के साथ मिलती है ये। और यहाँ पर मिलती है अपने को रेनॉल्ट का लोगो। और यहाँ पर मिलता है अपने को इसका रिफ्लेक्टर। और टेल लाइट्स की बात करें तो ऐसी कुछ मिलती है अपने को इसकी टेल लाइट्स, ये देगी, जो कि हैलोजन ही मिलती है। यही इसकी रिवर्स लाइट और यही इसकी ब्रेक लाइट। और इंडिकेटर मिलता है अपने को ये, यहाँ पर मिलता है अपने को इसका इंडिकेटर। और ये है इसका रियर बम्पर, रियर बम्पर पे भी अपने को स्किड प्लेट मिलती है और वो भी ड्यूल टोन में मिलती है, ग्रे प्लस वाइट में मिलती है अपने को इसमें। काफ़ी स्पोर्टी लुक देती है यार ये, फ्रंट और रियर में दोनों में स्किड प्लेट अवेलेबल है। और यहाँ पर यह मिलता है अपने को इसका राइट साइड प्रोफाइल, जो कि सेम है लेफ्ट साइड की जैसे, बस अपने को यहाँ पर फ्यूल फिलर कैप मिल जाता है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 28 लीटर्स और इसकी ARI माइलेज है 22 km/L। और ये जो आप इसके डोर वाइजर देख रहे हैं, ये SSCs का पार्ट है।
इसका बूट ओपन करके देखते हैं अपने को कितने लीटर्स का बूट मिलता है अपने को इसमें। और बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे की इंसर्ट करनी पड़ेगी और कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वगैरह नहीं मिलता अपने को इसमें। और ये मिलता है अपने को इसका बूट 180 लीटर के अप्रोक्स मिलता है अपने को इसका बूट। और पार्सल ट्रिप भी अवेलेबल है इसमें, ये देखिए। और कोई बूट लैंप वगैरह अवेलेबल नहीं है इसमें बूट में, ये देखिए। अब देखते हैं इसका स्पेयर व्हील, स्पेयर व्हील मिलता है अपने को यहाँ पर। और इसी में अपने को मिलते हैं टूल्स। स्पेयर व्हील का प्रोफाइल की बात करें जो कि सेम मिलती है अपने को बाकी व्हील्स। और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं इसका इंटीरियर। यहाँ पे अपने को की होल मिलता है, ये देखिए। और यहाँ पर अपने को क्लेडिंग मिलती है, डोर पर क्लेडिंग मिलती है अपने को इसमें। अब चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इसका इंटीरियर। और ऐसा कुछ मिलता है अपने को इसका ड्राइवर साइड डोर, ये देखिए। डोर पे कोई भी पावर विंडो का स्विच नहीं मिलता इसका, ये नहीं है इसमें पावर विंडो नहीं है, वो दूसरी जगह प्लेस की गई है। और यहाँ पर मिलता है अपने को इसका डोर हैंडल जो कि क्रोम में मिलता है। और यहाँ पे वाइट स्ट्रिप की, वाइट कलर की स्ट्रिप मिलती है। ये डोर को लॉक अनलॉक करने के लिए मिलता है। और यहाँ पर मिलता है ग्रैब हैंडल। और यहाँ पे मिलता है बोतल होल्डर, 1 लीटर की बोतल आप आराम से रख सकते हैं इसमें। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन के लिए। और सीट की बात करें तो सीट केवल रिक्लाइन के लिए एडजस्ट कर सकते हैं आप, हाइट के लिए एडजस्टमेंट अवेलेबल नहीं है इसमें। और ये थोड़ी स्पोर्टी सी सीट मिलती है अपने को इसमें, देखने में काफ़ी स्पोर्टी सी लगती है। देखिए ड्यूल टोन मिलती है, थोड़ा येलो इस प्लस ब्लैक। और क्लाइंबर की बेजिंग मिलती है अपने को सीट पे। और हेड रेस्ट की बात करें तो फिक्स्ड हेड रेस्ट मिलते हैं अपने को इसमें, चारों हेड रेस्ट जो हैं वो फिक्स्ड मिलते हैं। ये देखिए पीछे वाले भी फिक्स्ड ही मिलते हैं अपने को इसमें। और ऐसा कुछ मिलता है अपने को इसका इंटीरियर। और अंदर जाने से पहले एक बार इसकी की दिखा देता हूँ मैं। की कुछ मिलती है अपने को ऐसी, लॉक और अनलॉक का स्विच मिलता है केवल, ये देखिए। दोनों की ऐसी मिलती है अपने को इसमें क्लाइंबर में। और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। और ऐसा कुछ मिलता है अपने को इसका स्टीयरिंग व्हील, ये देखिए। डी कट सा, डी कट नहीं मिलता अपने को इसमें, सर्कुलर ही मिलता है अपने को इसमें स्टीयरिंग व्हील। और यहाँ पर मिलता है अपने को इसका रेनॉल्ट का लोगो स्टीयरिंग पर। और यहाँ पर हॉर्न मिलता है, ये देखिए। हॉर्न आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं साइडों से, दोनों साइड अपने को हॉर्न का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पर मिलता है अपने को इस पे क्रोम का इंसर्ट, ये देखिए। और ऐसा कुछ मिलता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और देखते हैं इसमें अपने को क्या क्या मिलता है। एक बार की ऑन कर लेते हैं गाड़ी की। और यहाँ पर अपने को स्पीडोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल, एवरेज। और इधर मिलता है अपने को इसका आरपीएम मीटर। और यहाँ पर मिलता है राइट हैंड साइड अपने को इसका टेम्परेचर मीटर और फ्यूल का ऑप्शन। ये गाड़ी में कितना फ्यूल है ये देखिए। और बाकी सारी वार्निंग्स मिलती है अपने को इसमें, हैंड ब्रेक, सीट बेल्ट वगैरह की। और ऐसा कुछ मिलता है इसका सेंटर कंसोल। यहाँ पर मिलते हैं अपने को एसी के वेंट्स। और एसी वेंट्स के चारों तरफ अपने को इसमें ग्लोसी ब्लैक में मिलता है ट्रीटमेंट, ये देखिए। थोड़ा प्रीमियम सा लगता है अपने को, ये एंट्री लेवल सेगमेंट की कार में अपने को पियानो ब्लैक में ये सब मिल रहा है सेंटर कंसोल में, तो काफी अच्छी बात है। और यहाँ पर मिलता है अपने को इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि 7 इंच का है, ये देखिए। और अभी ये लॉक डे एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करता है वायर के साथ, वायरलेस नहीं मिलता अपने को इसमें। और ये इसका एक ही नॉब मिलती है अपने को केवल इसमें वॉल्यूम के लिए। और ये वॉइस कमांड भी सपोर्ट करता है, ये देखिए, वॉइस कमांड के लिए मिलता है अपने को यहाँ पे। और इसके पावर विंडोज के स्विच मिलते हैं अपने को यहाँ पर, ये देखिए। ये राइट साइड वाली पावर विंडो के लिए और ये लेफ्ट साइड पावर विंडो के लिए, डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए। और ये हजार लाइट का स्विच। तो ऐसा कुछ मिलता है अपने को इसका सेंटर कंसोल। और इसके जस्ट नीचे मिलता है अपने को इसके एसी के कंट्रोल्स। और नॉर्मल एसी मिलता है अपने को इसमें, मैनुअली एसी मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। और इसके जस्ट नीचे चले तो यहाँ पर मिलेगा अपने को इसका पावर सॉकेट जो कि 12 वोल्ट का है। और यहाँ पे ऑक्स और यूएसबी के लिए, और टाइप ए यूएसबी के लिए मिलता है अपने को इसमें। और यहाँ पर मिलता है अपने को इसका स्टोरेज स्पेस, जो यहाँ पर मिलता है अपने को इसका कप होल्डर, ये देखिए। और 5-speed गेयरबॉक्स के साथ आती है रेनॉल्ट क्विड। और ऑटोमेटिक वेरिएंट भी अवेलेबल है इसमें, ऑटोमेटिक केवल आपको 1 लीटर वाले इंजन ऑप्शन के साथ ही मिलेगा। और यहाँ पर मिलता है अपने को इसका हैंड ब्रेक, ये देखिए। और इसके नीचे थोड़ा बहुत स्टोरेज स्पेस। लेफ्ट साइड मिलता है अपने को इसका क्विड की बेजिंग, ये देखिए। यहाँ पर अपने को डैशबोर्ड पे क्विड की बेजिंग मिलेगी। और ये मैट ब्लैक में मिलता है अपने को इसका डैशबोर्ड। और यहाँ पर मिलते हैं अपने को इसके स्पीकर, ये देखिए। यहाँ पर स्पीकर मिलते हैं क्विड में, डोर में अवेलेबल नहीं है, केवल 2 ही स्पीकर मिलते हैं अपने को क्विड में। और यहाँ पे मिलता है इसका एसी वैन, यहाँ पे भी देखिए, छोटी छोटी जगह क्रोम का काफी यूज किया गया है इसमें रेनॉल्ट क्विड में। और इसका देखते हैं ग्लोव बॉक्स, ग्लोव बॉक्स कैसा मिलता है अपने को इसमें।
ओ भाई, ग्लव बॉक्स तो काफी डीप मिलता है अपने को इसमें। ये देखिए, बड़ी से बड़ी कार में भी आपको ग्लव बॉक्स इतना बड़ा नहीं मिलेगा, ये काफी सही है। और यहाँ पर मिलता है अपने को इसका IRVM, ये देखिए, जो कि मैनुअली डे नाइट के लिए एडजस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। और यहाँ पे मिलती है अपने को इसकी केबिन लाइट, और यहाँ पे मिलता है अपने को इसका माइक, और यहाँ पे मिलते हैं सनसेट, जिसमें अपने को कोई भी मिरर वगैरह अवेलेबल नहीं है। और इस वाले पे अपने को मिलती है एयरबैग की बेजिंग, और यहाँ पे भी कोई मिरर वगैरह अवेलेबल नहीं है, वैनिटी मिरर वगैरह। अब चलिए चलते हैं रियर सीट पर और देखते हैं इसका रियर स्पेस वगैरह कितना मिलता है अपने को इसमें। और उससे पहले बात करते हैं सेफ्टी की। इसमें अपने को दो एयरबैग मिलते हैं, एक एयरबैग यहाँ मिलता है अपने को और एक एयरबैग यहाँ मिलता है, दो ही एयरबैग आते हैं रेनॉल्ट क्विड में। और ये ड्राइवर सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है। और पीछे देखते हैं इसका लेग रूम वगैरह कितना मिलता है अपने को इसमें, और ऐसा कुछ मिलता है अपने को इसका रियर डोर, ये देखिए, जिसमें अपने को पावर विंडोज के स्विच मिलते हैं। और आगे से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं आप इन रियर पावर विंडोज को, केवल यहाँ से ही ऑपरेट होंगी ये। और यहाँ पे मिलता है अपने को डोर हैंडल और ये लॉक अनलॉक करने के लिए। अब चलते हैं अंदर और ऐसी कुछ सीट्स मिलती है, अंदर जाने से पहले एक बार इसकी सीट्स देख लेते हैं। ये देखिए, ऐसी कुछ सीट्स मिलती है अपने को इसमें, फैब्रिक का पॉलिस्ट्री मिलती है अपने को इसमें। अब चेक करते हैं इसका स्पेस, और डोर को बंद कर लेते हैं एक बार। तो लेग रूम तो यार मेरे को नहीं मिल रहा इसमें, ये देखिए मेरे नीज टच हो रहे हैं सीट के। और हेडरूम फिर भी मुझे 2 इंच के अप्रोक्स हेडरूम मिल रहा है, मेरी हाइट 6 फीट है, लेकिन हेडरूम काफ़ी अच्छा मिल रहा है अभी भी इसमें। तो और ये देखिए, एक बार फिर से एक बार इसका देख लेते हैं इंटीरियर, ऐसा कुछ मिलता है अपने को इसका ओवरऑल इंटीरियर। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।